नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड ajastomoneyguru.com आप सभी का स्वागत करता हूँ आज 7 अप्रैल सन 2021। दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, कल के मार्केटर 3 PM के शो में हमने आपसे जो स्टॉक्स के बारे में चर्चा की थी, वो सभी स्टॉक्स एक अच्छी तेज़ी के साथ अभी ट्रेड कर रहे हैं। हमने आपसे चर्चा की थी हिंदुस्तान कॉपर, NTPC, वेदांता और पावर ग्रिड। ये सभी स्टॉक्स आज मार्केट खुलने के बाद अच्छा तेज़ी के साथ अभी ट्रेड कर रहे हैं। इसी के साथ ही कल के मॉर्निंग शो में हमने आपसे चर्चा की थी कि निफ्टी के गिरावट से आप डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। निफ्टी के अंदर और बाज़ारों के अंदर रिकवरी के साथ बाउंस बैक आने की पूरी संभावनाएं बन रही है और आज भी मार्केट में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मार्केट अभी लगभग 14,450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ ही अब मैं आपसे चर्चा करूंगा आज और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बाज़ारों के अंदर क्या संभावनाएं बन रही है और आपको किन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, कल जो हमने स्टॉक्स आपको बताए थे, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, पावर ग्रिड, NTPC, इनमें तेज़ी जारी रह सकती है और आप इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, जो कि मैकडॉवल्स के नाम से भी जाना जाता है। वो उसमें भी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट होने की सब पूरी संभावनाएं बन रही है। इसी के साथ ही आप हमारे सभी रिकमेंडेशंस मार्केट खुलने से पहले जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी अवेलेबल है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप देखना ना भूलें हमारा स्पेशल शो मार्केट एट 3 PM, जो हम मार्केट बंद होने से पहले लगभग 3 बजे आपके लिए अपलोड करते हैं, जिसमें हम आपसे चर्चा करते हैं आने वाले दिनों में क्या शेयर बाज़ारों के अंदर गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ बन रही है। इसी के साथ ही आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रोमनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।